PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के दूसरे मरकजी किरदार खालिद लतीफ के केस का फैसला 20 सितंबर को सुनाया जाएगा। जरा के मुताबिक एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर ने PCB एंटी करप्शन यूनिट को फैसले की तारीख से आगाह कर दिया है। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में खालिद लतीफ पर 10 साल की पाबंदी का इम्कान है। बल्लेबाज को 10 फरवरी को मुअत्तल कर दिया गया था। बाद में PCB की जानिब से उन पर मालूमात छुपाने, गैर मुतअल्लिका शख्स से मिलने, मैच फिक्स करने, बुकी से मुराद लेने, PCB को आगाह न करने और साथ ही खिलाड़ी को फिक्सिंग पर उकसाने के इल्जामात हैं। PCB एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर चेयरमैन, जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया और वसीम बारी शामिल हैं।